वेलकम बैक टू जीके ट्यूटोरियल। माय सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस का एक न्यू सेक्शन, एक न्यू स्टोरी आज पढ़ेंगे। सेक्शन है हिस्ट्री का और चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? मीन्स यूरोप में, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग, देश प्रेम की भावना कैसे उत्पन्न हुई और इसके बाद के क्या क्या इफेक्ट्स रहे, इस नेशनलिज्म की वजह से वहां पे क्या क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, सबसे पहली बात कि नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनलिज्म होता क्या है। तो मैंने बताया नेशनलिज्म का मतलब होता है देश प्रेम। देश प्रेम मतलब अपने देश से, अपने नेशन से फीलिंग लव का, प्रेम की भावना अपने देश के प्रति होता है देश प्रेम। इंग्लिश में द फीलिंग ऑफ लव और रिस्पेक्ट, या फिर फीलिंग ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट भी बोल सकते हो, या सिंपली इतना कह सकते हो कि द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स वन नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे एक रीजन है। ये जब नेशनलिज्म इन यूरोप आप पढ़ोगे तो उस टाइम पे नेशन या नेशन स्टेट जैसी कोई चीज थी नहीं। नेशन स्टेट अभी नया नया उस टाइम पे आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्लास 9 में पढ़ा है सबने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही नेशन स्टेट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सामने आया था, पर अभी यूरोप में नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब कि अपने एक ओन टेरिटरी के लिए लव की फीलिंग जनरेट करना। ठीक है, तो नेशनलिज्म की मीनिंग क्या लिखा गया, फीलिंग ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट या फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स वन ओन नेशन स्टेट। मैंने यहाँ पे बोला नेशन स्टेट, ये डिफिनेशन तो समझ में आ गई कि नेशनलिज्म क्या होता है, देश प्रेम, फीलिंग ऑफ लव। लेकिन इसमें एक नया वर्ड आ गया, नेशन स्टेट। ये क्या होता है, स्टेट हमें पता है, हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं, स्टेट हमें पता है, हमारी कंट्री एक नेशन है ये भी पता है, पर यहाँ पे दोनों एक साथ लिखा हुआ है नेशन स्टेट, ये क्या होता है? तो चलिए देखते हैं नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट इज अ जियोग्राफिकल टेरिटरी, या पहले सिंपल शब्दों में समझ लो। देखो नेशन स्टेट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कुछ मेजोरिटी के लोग रह रहे हों, कुछ लोग रह रहे हों और उन सबके बीच में कुछ कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है इंडिया में, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर बेसिस पे डिवाइडेड हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिलेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि हर स्टेट की अपनी एक अलग लैंग्वेज है। अगर तमिलनाडु में चले जाइए तो वहाँ पे तमिल लैंग्वेज है, गुजरात में चले जाइए गुजराती लैंग्वेज है, कर्नाटक में चले जाइए तो वहाँ का कन्नड़ लैंग्वेज है। मतलब हर स्टेट का अपना एक अलग लैंग्वेज है, अपनी एक अलग पहचान है, और उस पूरे स्टेट के अंदर जितने लोग रहते हैं उन सबके लिए वो चीज़ कॉमन है। जैसे गुजरात में जितने लोग रहते हैं उन सबके लिए गुजराती लैंग्वेज कॉमन है, सबकी मेन लैंग्वेज गुजराती है। पर वहीं अगर राजस्थान में चले जाइए तो राजस्थानी लैंग्वेज आ जाएगा, गुजराती राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान और गुजरात के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है, कुछ कॉमन, अगर एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहे लोगों के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, ट्रेडिशन हो, उनका पुराना इतिहास, उनकी हिस्ट्री हो, उनका कस्टम हो, उनका कल्चर हो, या फिर कुछ और। ठीक है, अगर कुछ भी एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक टेरिटरी में रह रहे कुछ लोगों के बीच में कुछ भी कॉमन है और उसके बेसिस पे उस पार्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई किया जाए तो उसको हम नेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, स्टेट ही नेशन स्टेट है, इंडिया में जो स्टेट है वही नेशन स्टेट है। लेकिन उस टाइम पे आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हर जगह पे डायनेस्टिक एम्पायर था। डायनेस्टिक एम्पायर का मतलब क्या होता है, वंशज राज चलता था। वंशज का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी डायनेस्टिक चलती रहेगी, राजा के द्वारा उनके बेटे के बाद उसके बाद रूल किया जाएगा। तो डायनेस्टिक रूलर रहते थे वहां पे, और डायनेस्टिक रूलर भी कैसे, मल्टीनेशनल। यहाँ पे देखिए लिखा होगा कहीं पे मल्टीनेशनल, ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर था। मल्टीनेशनल का मतलब ये क्लियर नहीं होता था कि एक पर्टिकुलर राजा का कौन सा नेशन है। एक राजा रात में सोया, सुबह में पता चला कि दूसरा राजा जो है वो अटैक करके इनकी आधी टेरिटरी अपने अंदर कर लिया, तो इनकी टेरिटरी रातों रात छोटी हो जाती थी। इनका कुछ फिक्स नहीं होता था कि ये जियोग्राफिकल एरिया इस राजा के अंदर है, फाइट किए दूसरा ले लिए। पब्लिक का क्या है, पब्लिक भी इधर से उधर घूमती रहती थी, आज इस राजा के अंदर है, कल को अगर दूसरा राजा इनके
एरिया इनके टेरिटरी पे अपना कब्जा कर लिया तो ये उनके अंडर में चले जाते थे, ठीक है। तो मल्टीनेशनल और डायनेस्टिक एम्पायर उस समय था। अब मल्टीनेशनल था, उसको एक पार्टिकुलर एरिया में एक मीन्स कुछ कॉमन बेसिस पे उसको डिवाइड करना था, तो ये था नेशन स्टेट। सिंपली नेशनलिज्म क्या है? द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स वंस नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या है? अ जियोग्राफिकल टेरिटरी इन विच द मेजोरिटी शेयर्स सम कॉमन लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर और एनीथिंग एल्स, ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई, नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। बात कर रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म की फीलिंग मतलब क्या है? मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में क्या नेशनलिज्म की फीलिंग की बात करेंगे? नहीं, उस कॉन्टिनेंट में जितनी कंट्रीज हैं, मतलब उस कॉन्टिनेंट में जितनी टेरिटरीज, जितने एरियाज हैं अलग अलग, उनकी बात करेंगे। एक पार्टिकुलर एरिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जनरेट हुई और उसके बाद वहां पे क्या रिजल्ट हुआ। जैसे यूरोप में आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन है। फ्रांस की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, फ्रांस की जो टेरिटरी थी उसमें नेशनलिज्म कैसे आया? ये नेशनलिज्म आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही पढ़ चुके हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी नेशनलिज्म का कुछ कॉन्सेप्ट आ गया था, ठीक है। तो वहां से पढ़ेंगे फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में नेशनलिज्म का क्या आउटकम रहा। उसके बाद जर्मनी, जर्मनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ नेशन स्टेट की या नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से। सेम वे में हम पढ़ेंगे इटली का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पहले जर्मनी, इटली ये सब नेशन नहीं थे, एक कंट्री नहीं थी। इन सारी जगहों पे डायनेस्टिक एम्पायर चलता था, मीन्स राजा का रूल चलता था, ठीक है। इसके बाद ये सारी इन सबका यूनिफिकेशन हुआ। यूनिफिकेशन का मतलब जो डायनेस्टिक एम्पायर था, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ एरियाज था, उन सबको एक साथ जोड़ा गया और सबको जोड़ के एक पार्टिकुलर नेशन स्टेट खड़ा किया गया, ठीक है। इसमें हमें यही पढ़ना है कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कैसे यूनिफाई हुई, एक बन के एक कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी के साथ कैसे खड़ी हुई, ठीक है। इसमें देखो फॉर्मेशन क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट फ्रॉम मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। यूरोप में जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे उससे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट हुआ, ठीक है। इसके दो मेन कॉजेस, कॉजेस तो बहुत हैं, इस चैप्टर में भी हम लोग बहुत सारे कॉजेस डिस्कशन करेंगे, लेकिन दो मेन कॉज है। पहला द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो कौन थे और इनकी पेंटिंग की क्या स्टोरी थी, देखेंगे अभी। साथ में दूसरा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो आपके क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट था, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसमें क्या है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था, तो यहाँ पे ये जो पूरा नेशनलिज्म था यूरोप में जो जनरेट हुआ था, इसका एक मेन रीजन जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अभी आप यहाँ पे एक थे ड्यूक मैटरनिच, उनका स्टेटमेंट भी सुनोगे कि वेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड, मीन्स जब फ्रांस छींका तो बाकी पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ ली। मतलब कि यूरोप, फ्रांस में एक छोटी सी चिंगारी निकली और पूरे यूरोप में आग निकली। यही कह सकते हो कि फ्रांस में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ और ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका पहला रीजन जो है पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग कहती क्या है, ठीक है।